गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर आशीष और आज जो डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, तो डिस्कस करते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट है और स्पेशली ये क्लास ट्वेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, अब यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया, इसमें जो लेयर होती हैं ये आपको पता होगा, फर्स्ट एपिडर्मिस, सेकंड इंडोथीसियम, थर्ड मिडिल लेयर और लास्ट क्या हो जाएगी, टैपिटम। तो ये आप ध्यान रखिए, चारों लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और लास्ट एज द टैपिटम। अब यहाँ पे क्या आता है, तीनों का वर्क क्या है, इन तीनों का एक कंबाइंड वर्क होता है प्रोटेक्शन। ओके, तो एज द फंक्शन क्या, प्रोटेक्शन एंड डिहाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलिंग ग्रेन्स। जब एंथर लेयर क्या होती है, डिहाइसेंस होती है। और लास्ट भाई आ गया टैपटम, तो टैपटम का वर्क क्या है बताइए। तो टैपटम का वर्क है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट या न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग, किसके लिए बताइए। तो इसका वर्क है, द फंक्शन ऑफ टैपटम, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलिंग ग्रेन्स। पॉलिंग ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टैपटम। ओके, अब कभी कभी एक क्वेश्चन किस टाइप से आ जाता है आपका, जो माइक्रोस्पोरेंजिया का डायग्राम, इस टाइप से डायग्राम दिया गया आपका एनसीईआरटी बुक में ही दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे इसकी लेयर भी मेंशन की गई है, आउटर लेयर एपिडर्मिस, इसके बाद इंडोथीसियम, इसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद है टैपटम। तो इस टाइप से डायग्राम इसमें आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन दिया गया है, इस टाइप से दिया गया डायग्राम। अब कभी कभी डायग्राम क्या आ जाता है, ये इन्होंने दे दिया डायग्राम, इसकी बात हो रही है यहाँ पर, आइडेंटिफाई ए और वी, ये आउटर लेयर होती है, सबसे पहले एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर। अब यहाँ पे क्या रहा, टैपटम, क्या बोलेंगे, ये लेयर क्या, टैपटम। और टैपटम का फंक्शन क्या होता, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलिंग ग्रेन्स। द फंक्शन ऑफ टैपटम, इट प्रोवाइड क्या कर रहा, न्यूट्रिशन, किसको, पॉलिंग ग्रेन्स को। और यहाँ पे जो इनसाइड आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसे बोलते हैं स्पोरोजीनस टिशू, ये ध्यान रखिए। और स्पोरोजीनस टिशू का वर्क क्या होता, तो स्पोरोजीनस टिशू का वर्क क्या होता, पॉलिंग ग्रेन्स ट्रेट्रेट को फॉर्मेशन करने में। तो पॉइंट आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि जो ये इसको बोलते हैं टैपटम, इसको बोलेंगे स्पोरोजीनस टिशू। और स्पोरोजीनस टिशू में जो सेल होती है एक जैसी होती है, इसे बोलते हैं होमोजीनस सेल। ओके, तो ये डायग्राम क्लियर कर लीजिए, चारों लेयर है, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपटम। यहाँ पे भाई टैपटम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस टैपटम को आप लोग ध्यान से देखिए। और यहाँ पे दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है, टैपटम्स है और टैपटम और स्पोरोजीनस टिशू। तो स्पोरोजीनस टिशू का फंक्शन भी पूछ लिया जाता, तो इसका फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिंग ग्रेन टेट्रेड। ओके,
न्यू टॉपिक के साथ फिर आएंगे। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जिन्हें अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।